जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनोज पांडे, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑटो बाइक जंक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी अल्पाइन A7 इको मॉडल ई रिक्शा पैसेंजर थ्री व्हीलर की बात करेंगे। 2022 में इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की परफॉर्मेंस क्या है, इसकी बैटरी बैकअप कितनी मिल जाती है, इस थ्री व्हीलर को लेने पर सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी मिल जाती है, इसका EMI कितना होगा और कितने रुपए का लोन हो जाएगा, इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। वीडियो पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अल्पाइन कंपनी की तरफ से दो मॉडल की ई रिक्शा मिल जाती है, जो कि AF7 ऑटो थ्री व्हीलर और दूसरा AF7 इको DLX ई रिक्शा थ्री व्हीलर है। काफी मजबूत क्वालिटी में बिल्ड किया गया है। अन्य ई रिक्शा बेहतर और टिकाऊ ई रिक्शा है। मान के चले कि इस ई रिक्शा की माइलेज इतनी अच्छी है कि अगर आप इसे एक बार फुल चार्ज करते हैं तो आप 150 किमी के आसपास तक का बेहतर माइलेज पा जाते हैं। आप अल्पाइन ई रिक्शा को निसंदेह खरीद सकते हैं कि इस ई रिक्शा में काफी मजबूती के साथ साथ अच्छा खासा फीचर्स और सुविधा आपको मिल जाता है। तो सामने की तरफ से अगर इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को देखें तो यहाँ पर आपको काफी बेहतर लुक दिखाई देती है। सामने ही ड्राइवर को धूल मिट्टी और बारिश से बचने के लिए हैवी क्वालिटी का विंडशील्ड मिल जाता है और ऊपर की तरफ से लगा हुआ यहाँ पर विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए कंपनी की तरफ से वाइपर दिया गया है। विंडशील्ड के बीच में आपको अल्पाइन लिखा सिल्वर कलर में स्टिकर मिल जाता है और इसके नीचे की साइड में देखें तो राउंड शेप में दोनों साइड में LED की लाइट दी गई है, तो रात के समय गाड़ी चलाते समय काफी तेज रोशनी आपको मिल जाती है। दोनों साइड में ही आपको सेफ्टी गार्ड जाली लगा हुआ गोला आकार में इंडिकेटर मिलता है और सस्पेंशन के ऊपर दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर भी लगा मिल जाता है। साथ ही इंडिकेटर के नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर अल्पाइन का स्टिकर भी लगा मिलेगा। दोस्तों, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है जो हैवी ड्यूटी वजन उठाने और गठी हुई सड़कों को आसानी के साथ पार करने में सक्षम है। बीच के साइड में काफी प्रीमियम क्वालिटी का हॉर्न दिया गया है। मेडगार्ड को देखें तो यहाँ पर स्टील मटेरियल में मेडगार्ड मिलता है जो देखने में क्रोम फिनिश का एहसास कराता है। आपको इस थ्री व्हीलर में 90-90 बारे के टायर मिलते हैं। व्हील बेस मटेरियल इसमें LI स्टील का दिया गया है। तो अगर इसके हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको हाइलोजन बल्ब के साथ हेडलैम्प लगा मिल जाता है। काफी मोटी गोलाकार में इसके मजबूत स्ट्रक्चर फ्रेम लगा मिलता है जो कि गाड़ी को काफी मजबूत बनाता है। इसमें क्रैक होने का डर काफी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर पीछे की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ सामान वगैरह रखने के लिए कैरियर गार्ड और नीचे की तरफ बारिश या धूप से बचने के लिए रक्षीन युक्त पर्दे मिल जाते हैं। नीचे की साइड में आपको 1000 वाट लिखा मोनोग्राम स्टिकर देखने को मिल जाता है और साथ ही जाली प्रोटेक्शन के साथ दोनों तरफ टेल इंडिकेटर लगा मिलता है। इसका बम्पर काफी मजबूत क्वालिटी में स्टेनलेस स्टील में लगा हुआ है जो कि पीछे की साइड से दूसरी गाड़ी से लगने वाले हिट को आराम से झेल सकता है। नंबर प्लेट लगाने के जगह के साथ ही यहाँ पर आपको LED की छोटी लाइट मिल जाती है जो कि नाइट के समय इसको जलाने पर काफी उजाला करती है। नीचे की साइड में देखे तो यहाँ पर पीले रंग का रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। साथ ही पीछे की दूसरी साइड में देखें तो सिल्वर कलर में अल्पाइन इको AF7 का खूबसूरत स्टिकर मिल जाता है। नीचे की साइड में इसके रियर सस्पेंशन और मोटर काफी अच्छी तरह बिल्ड किए गए हैं। तो अगर ड्राइवर के केबिन को देखें तो यहाँ पर कुछ अलग और लुकिंग मॉडल में हैंड ब्रेक दिया गया है। नीचे की तरफ ब्रेक पैडल मिलता है। ब्रेक पैडल पर प्रेस करने से तीनों चक्कों में एक साथ ब्रेक लगता है और सामने की तरफ हुड पर आपको काफी बड़ी साइज में बैग लगा मिल जाता है। इसमें कई पॉकेट दिए गए हैं। इसमें आप अपने जरूरत के सामान या फिर पैसे वगैरह रख सकते हैं। ड्राइवर के सीट के नीचे लेग साइड में काफी स्पेस मिल जाता है। ड्राइवर आसानी के साथ बैठकर इस थ्री व्हीलर को चला सकता है। अगर केबिन के ऊपर के साइड में देखे तो यहाँ पर आपको वाइपर की मशीन के साथ में प्रीमियम क्वालिटी का फैन लगा मिल जाता है जिसे आप गर्मी में गाड़ी चलाते समय फैन का प्रयोग कर सकते हैं। इस रिक्शा के ऊपर की तरफ ही आपको फायर कंसोलर और दो साउंड के साथ बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है। केबिन को उजाला करने के लिए आपको एक छोटी सी केबिन की लाइट मिल जाती है। इसमें चेसिस काफी मजबूत क्वालिटी में बनाया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने में ये रिक्शा सक्षम है। आगे ड्राइवर के सीट को देखें तो यहाँ पर बैक रेस्ट के साथ सीट अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर आर्म रेस्ट भी दोनों तरफ दिया गया है। अगर ड्राइवर के सीट को ओपन करें तो यहाँ पर आपको ईस्टमैन के 3 बैटरी लगे मिल जाते हैं।
तीन बैटरी आपको आगे के सीट के नीचे और दो बैटरी पीछे की साइड में सीट के नीचे लगा मिल जाता है। कुल मिलाकर 5 बैटरी इस रिक्शा में दिया गया है। 5 बैटरी होने के नाते इसमें अच्छी खासी माइलेज देखने को मिल जाता है। इस रिक्शा में 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है, जिससे अल्फाइन इलेक्ट्रिक रिक्शा उबड़ खाबड़ गड्ढे युक्त सड़कों पर आसानी के साथ चल सके। 4+1 में इसकी सीटिंग कैपेसिटी आती है। इसी रिक्शा में 48 वोल्ट DC 40 वोल्ट AC का मोटर कंट्रोलर लगा मिल जाता है, जो कि इस रिक्शा के हिसाब से काफी अच्छा है। देखा जाए दोस्तों इसकी मजबूती की तो अल्फाइन 7 इको ई रिक्शा में मजबूती का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर पूरा आयरन मटेरियल की बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। सवारी की सेफ्टी हो या ड्राइविंग कम्फर्ट की बात करें तो इसी रिक्शा के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसकी कर्व वेट 325 kg के साथ इसमें 700 kg का ग्रास वेट मिल जाता है। की मोटर पावर 1000 वाट के साथ दोस्तों इस रिक्शा की स्ट्रोक लेंथ 110 mm है। इसके पहियों में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। पीछे की दोनों सीट काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी में दी गई हैं। इसमें भी आपको पीछे की साइड में बैक रेस्ट देखने को मिल जाता है। दोनों सीट के बीच में अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। इसमें स्पेस इतना मिल जाता है कि पैसेंजर सामान वगैरह भी रख सकता है। वैसे इस ई रिक्शा में लगेज वगैरह रखने के लिए रूप पर आपको लगेज गार्ड भी मिल जाता है, जो काफी मजबूत क्वालिटी में बिल्ड किया गया है। इसके स्पीडोमीटर में हर तरह की इंफॉर्मेशन शो होता है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। इसकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी खत्म हो गई, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन इस रिक्शा से संबंधित आपको स्पीडोमीटर में देखने को मिल जाता है। आगे की साइड में दोनों तरफ साइड शीशा मिलता है, ताकि गाड़ी ड्राइव करते समय ड्राइवर आसानी के साथ पीछे की तरफ देख सके। बारिश वगैरह के मौसम हो या सर्दी हो या ऐसा मौसम हो धूल धक्कड़ का, तो यहाँ पर आपको चारों तरफ से कवर करने के लिए रेक्सीन के पर्दे दिए गए हैं, जिससे पैसेंजर को यात्रा करने में कोई असुविधा ना हो। हैंडल बार पर तमाम सारी कंट्रोल स्विच देखने को मिल जाता है, जैसे कि सबसे पहले हैंडल बार पर आपको अपर डिपर लाइट और हॉर्न के स्विच मिल जाते हैं। साथ ही नीचे की साइड में इंडिकेटर स्विच भी मिल जाता है। दूसरी साइड में देखें तो यहां पर फ्रंट और रिवर्स करने के लिए स्विच दिया गया है। तो दोस्तों काफी सारी सुविधाओं से लैस है ये अल्फाइन रिक्शा। अलॉय व्हील की बात करें तो काफी खूबसूरत आपको यहां पर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। जब गाड़ी रोड पर चलती है तो इस अलॉय व्हील के लगने के कारण काफी अच्छी दिखाई देती है। दोस्तों इस रिक्शा को आप कम से कम डाउन पेमेंट पर भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट 50 से 60 हजार रुपए तक है तो आप इस रिक्शा को फाइनेंस के माध्यम से भी ले सकते हैं। इस ई रिक्शा के ऑन रोड प्राइस की बात करें 1,75,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इस रिक्शा से संबंधित और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य गाड़ी के रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक